नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास जियो फ़ोन है। ये देखिए, इसमें ये मॉडल नंबर है आपका F50। ये देखिए F50 है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें IN नंबर इसका नील हो चुका है। ये देखिए 0 है। तो आज हम इसका IN नंबर रिपेयर करेंगे। तो जियो फ़ोन के जितने भी कॉलकॉम के CPU होते हैं, उन सभी के IN नंबर आप इस टूल से रिपेयर कर सकते हो। ये जो सामने ये टूल है कॉलकॉम का, तो इस टूल से रिपेयर कर सकते हो। तो ये साथ में ड्राइवर और टूल और कॉलकॉम, ये मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में आपको जियो फ्लैश फाइल भी ओरिजिनल दे दूंगा, जिससे आप उसे फ्लैश करोगे तो किसी चीज़ का एरर नहीं आएगा। तो ये फ्लैश फाइल और ये दोनों टूल मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन को ऑन रखना है और डाटा केबल लगाना है आपने। जैसे आप डाटा केबल लगाते हो, आपने अपने माई कंप्यूटर में जाना है और राइट क्लिक करना है और मैनेजर को खोल लेना है आपने। जैसे आप खोलोगे तो आप ये डिवाइस मैनेजर पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपको कॉलकॉम USB डायनेक्सटी मोड आपको आना चाहिए 9091। तो ये अगर आपके पोर्ट आता है तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने इस टूल को ओपन करना है। ये टूल है, देखिए जैसे आप इस टूल को ओपन करोगे तो ये यहाँ पे पोर्ट ले लेगा। ये देखिए कॉम 11 और यहाँ पे भी देखिए कॉम 11। तो आपने उसके बाद IN नंबर अपना लिख के रख लेना है। उसके बाद आपने इसे कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ये पास हो चुका है। तो अब मैं इसे देखिए, अभी इसमें IN नंबर चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका जो IN नंबर है वो रिपेयर हो चुका है। तो आप इस तरह जितने भी कॉलकॉम के फ़ोन होंगे उस सभी को आप IN नंबर रिपेयर कर सकते हैं।